नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुबोता ट्रैक्टर की डीलरशिप वरदान इंजीनियरिंग पे। और आप देख सकते हैं ये कुबोता MV4501 ट्रैक्टर है, जिसके बारे में हमें धर्मीन कंसारा सर जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम धर्मीन कंसारा है। मैं आपको कुबोटा के MU4501 ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और ये जानकारी ऐसी है जिसमें आपको कुबोटा की कुछ तकनीकी खूबियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बाकी सब ट्रैक्टर्स में आपको नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। ये 2434 cc इंजन है, जो कि इतने कम सीसी में इसमें 45 HP का पावर जनरेट करता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी वजह से जो इंजन डीजल की खपत भी कम रहेगी और आपको पावर भी इतना अच्छा जनरेट होगा। दूसरी है, इसके इंजन की खासियत है बैलेंसर शाफ्ट, जो कि इंजन का वाइब्रेशन बहुत ही कम करता है। मैं आपको इसका वाइब्रेशन का मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बैलेंसर शाफ्ट की वजह से ये जो इंजन वाइब्रेशन है बहुत ही कम है। ये आपको मार्कर दिख रही है, जो बिल्कुल भी वैसे की वैसी है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है इसमें। एक तो कुबोटा MU4501 दो मॉडल में उपलब्ध है, फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव। तो फोर व्हील ड्राइव में आप देख सकते हैं कि नीचे जो प्रोपेलर शाफ्ट दी गई है, जो फ्रंट एक्सल में जाने के लिए, वो इंटीग्रल दिया गया है। इंटीग्रल मींस ये अंदर की तरफ है। बाकी सब ट्रैक्टर्स में ये शाफ्ट आपको नीचे की और बाहर मतलब क्लियरली दिख सकती है, तो ये इंटीग्रल की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ये ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो, जो अपनी कार आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, उससे दो गुना है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से इसको आप जो खेतों में और इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। मित्रों, इसमें आपको इसके स्टीयरिंग की एक खासियत बताता हूँ। ये है डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, जो कि जो अपने कार सेगमेंट में जो स्टीयरिंग आता है कि आपको बहुत ही कम एफर्ट में आपको टर्निंग बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसका टर्निंग रेडियस भी, जो ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस है, 2.8 मीटर का है, ये टू व्हील ड्राइव में, जो कि बहुत ही कम जगह में आप इसको टर्न कर सकते हो, पूरा टर्न कर सकते हो। और बाकी फोर व्हील ड्राइव में जाते हो तो 100 mm बढ़ जाता है। तो ये एक है। और अभी मैं इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ, तो ये आप मुझे देख सकते हैं कि इसमें जो आगे लेग रूम स्पेस है, मतलब बैठने के बाद भी आपको बिल्कुल ये घुटना टच नहीं होगा और स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको। और फ्लोर भी आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेस है फ्लोर पे बैठने के बाद, ठीक है। और जो साइड शिफ्ट गियर इसमें दिए गए हैं, ये साइड शिफ्ट गियर की वजह से भी ऑपरेटर कम्फर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी सब ट्रैक्टर्स में सेंट्रल शिफ्ट गियर दिया रहता है, जो ऑपरेटर को थकान इससे ज़्यादा महसूस होती है। अभी दोस्तों, मैं इसके डैशबोर्ड की बात करता हूँ, तो आप इस वीडियो में सामने देख सकते हो कि डैशबोर्ड इसका कार सेगमेंट में जो रहता है, वैसे ही डिजिटल डैशबोर्ड दिया हुआ है। ये जो आप इसमें आवर्स मीटर देख सकते हो, डिजिटली है। बैटरी, ये इंजन हीटिंग का ये मार्किंग दिया हुआ है, इससे आप इंजन की हीटिंग मतलब इंजन हीटिंग होता है तो इसमें इंडिकेटर दिखा सकता है। और बाकी तो बैटरी का भी इसमें इंडिकेटर दिया गया है, ठीक है। और ये इसमें जो ऑन ऑफ की जो लाइटें हैं, ये भी मतलब डे लाइट और नाइट लाइट की हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। अभी इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो
इसका जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है, जो कार सेगमेंट में जो गियर बॉक्स रहता है उसके हिसाब से है। जो आप जब भी गियर शिफ्टिंग करते हो तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी इसमें, और इजीली गियर शिफ्ट हो जाते हैं। सिंक्रोमैश, टोटली सिंक्रोमैश गियर बॉक्स दिया गया है इसमें। अभी इसके हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसके हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी है 1640 केजी, जो कि ये सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया है। और कई सारी एप्लीकेशंस में आप इसका हाइड्रोलिक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्लाउ है, कल्टीवेटर है, प्लांटर है, तो ये मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ ही इसका जो पीटीओ स्पीड है ये आप देख सकते हैं, दो स्पीड में उपलब्ध है, 540 और 750, ये पीटीओ स्पीड आपको दो स्पीड में उपलब्ध है। और आखिर में दोस्तों इसके ब्रेक्स की बात करते हैं, तो OIB वेट डिस्क ब्रेक्स है, जो तेल में डूबे हुए ब्रेक्स जिसको बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से इसकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाती है, ब्रेक की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, और उसका ऑपरेटर कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है। ब्रेक्स के लिए आप बहुत ही उसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सकते हैं डिज़ाइन बाई कुबोटा इन जापान, मतलब ये जापानीज तकनीक से बना हुआ पूरा ट्रैक्टर है, और साथ में ही इसको 5 ईयर्स वारंटी दी गई है। मतलब तकनीकी कोई भी इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक से रिलेटेड कोई भी आपको अगर फॉल्ट रहता है तो आप बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। वीडियो में हमें धर्मेंद्र कंसारा सर ने कुबोता MV4501 ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।